वन वेलकम टू माई चैनल नेहाज डायरी। आज का जो दिन है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं और मैं नहा करके तैयार हो चुकी हूँ और पूजा भी कर ली है। और आज 4 जून है, कल 5 जून है और मेरे भ्राताश्री का बर्थडे है कल, तो उनका जन्मदिन की सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हम उन्हें एडवांस में ही कर रहे हैं। और उसी के साथ में वो इस व्लॉग को देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला है, क्योंकि मैंने उसकी फेवरेट टी शर्ट पहनी हुई है। उसका मैंने नरूटो वाला जो टी शर्ट पहना हुआ, उसकी कलेक्शन बहुत अच्छी अच्छी होती है। और इवन पता है वो इसका जो कलेक्शन होता है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है उसकी टी शर्ट्स का। एक बार में देखेगा और एक बार में कहेगा बस मुझे यही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई। और आज जो टी शर्ट है वो है नहीं है, क्योंकि घर में उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ है। तो आज जो है उसकी टी शर्ट मिल गई तो मैंने पहन ली है। और वो गुस्सा होने वाला है, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा ज़रूर, मम्मी इसने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, इसके पास और इसके कपड़े नहीं है क्या जो मेरी टी शर्ट पहनी हुई है, इसके भी तो टी शर्ट्स हैं ब्लैक कलर की, वो पहन सकती थी, सारे मेरे ही कपड़े पहनेगी, दिलवाती तो कुछ भी नहीं है ये। और बर्थडे आ रहा है, जनाब ने बर्थडे के लिए जो बोला है वो गिफ्ट पता नहीं रेडी कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जो आज मैं अभी कहीं जा रही हूँ तो उसको आप ब्लॉग में ही देखिएगा कि कहाँ जा रही हूँ और क्या है काम, किस काम से रिलेटेड जा रही हूँ, तो उस ब्लॉग में पता लग जाएगा। वेल अभी तैयार होने जा रही हूँ। ओके सीरियसली गाइस, सच्ची बता रही हूँ, हम लोग जब बैठे थे ना बस में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था, बस मन में सोचे जा रहे थे। मैंने मम्मी को ये चीज़ बताई नहीं कि मम्मी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मम्मी टेंशन ले जाती है बहुत जल्दी। तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, जिस काम के लिए जा रही हूँ कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस जा रहे थे। उसी के साथ में मेट्रो में भी हमने सोचा क्लिप बनाया, मंजिल का तो पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मजलिस पार्क की तरफ ज़रूर जा रहे हैं। कई जा चुके हैं शकूरपुर में, ऐसा लग रहा है बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, यहाँ पर ढूंढने आए हैं घर, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कि कॉलोनी का क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं, रेसिडेंट एरिया कहाँ पर है कहाँ नहीं। यहाँ तो बस कपड़े सूखते हुए देख तो रही हूँ, यहाँ पर घर भी ऐसे है, बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है यार यहाँ पर, कैसे ढूँढूँगी घर में, मेरी समस्या का हल कहाँ मिलेगा। तो गाइज़ आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये शकूरपुर का एरिया है पूरा का पूरा, जहाँ से स्टार्टिंग हुई मेट्रो स्टेशन से बैठ करके। मैंने ऑटो रिक्शे वाले भैया से भी पूछा था, मैंने भैया आपकी जान पहचान में कोई घर हो तो बताइएगा, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको शकूरपुर की एक गली में छोड़ रहा हूँ, फिर आप वहाँ से उतर करके पूछ लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई हमें छोड़ देना, लेकिन ऐसी जगह पर पहले उन्होंने दिखाया शकूरपुर बस्ती में समझ लिया, तो हम पहुँच गए थे। सबसे पहले हमने ये वाला घर देखा था, ठीक था, ग्राउंड फ्लोर था, मतलब इसमें वाइट वॉश हो वगैरह ये लोग करा रहे थे। देन उसके बाद में एरिया वगैरह भी ठीक ठाक ही था एक्चुअली, रहोगे तो वही पता लगता है कि कैसा रहेगा कैसे नहीं। ये हमने सेकंड घर देखा था भाई, दूसरी मंजिल में जा कर के, और चढ़ाई तो पूछो ही मत वहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद में ये हमने देखा, ये ठीक था लगभग, लेकिन सीट का पता ही नहीं था, सीट तो उधर ही चल रहा था। उसके बाद हम गए रोहिणी सेक्टर सायाथ, ये भाई 5 मंजिल मकान, सीरियसली आप लोग देखोगे ना इस वाले मकान को, उसने बोला टॉप फ्लोर पे जाकर के मिलेगा। और आप लोगों को मैं सच बता रही हूँ, एंड तक रुकिएगा, मैं प्राइस भी बताऊँगी सबके, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, प्राइस का भी पता लगेगा। और घर में घर नहीं ख़त्म होती, इस घुसते ही घर तो ख़त्म हो जाता है, कहाँ इंसान बस चलते जाओ, एकदम सिलेंड्रिकल सिलेंडर की शेप में घर बना देते हैं ये लोग। और ये पहला रूम हो गया, ये दूसरा रूम हो गया, बस ख़त्म कहानी, अब चल दो नीचे की तरफ। नीचे जाने का वीडियो उसमें तो मैंने मम्मी तो आई नहीं थी मेरे साथ देखने के लिए, क्यों, क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे इसमें एक इंसान के अलावा दूसरे इंसान की तो एंट्री हो ही नहीं सकती, सीढ़ी में सामान तो हमारा घंटा घुसेगा इस घर में, इसमें तो घुसेगा नहीं, और वो भी टॉप फ्लोर यानी 5वीं मंजिल, तो सवाल ही पैदा नहीं है। उसके बाद हाँ, लेकिन शकूरपुर में एरिया वाइज मैं कहूँगी कि ठीक थी, बड़ी बड़ी रोड्स हैं वहाँ पर, तो आप ये घर वगैरह देख पा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने 2 मकान और देखे थे, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे भी ले चल रही हूँ, वहाँ का भी दिखाती हूँ उस घर का। तो मुझे सच में सोच के इस वाले का तो मैंने सीरियसली, आप देख रहे हो अभी मैंने दोबारा इसको शूट किया था, भाई 5 मंजिल मकान कहाँ से। और ये फिर एक घर और था, आप सीरियसली क्या ही बताऊँ मैं, ये वाला घर था, और इस पर नींव खड़े करके मैंने भी अभी मैंने इनसे बोला, मैंने भैया एक बात बताइए ये तो बंद घर है, बोलते हैं कि नहीं नहीं वेंटिलेशन का भी है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा बताइए कहाँ से वेंटिलेशन होगा, आगे पीछे दोनों से है। मैंने कहा अच्छा ज़रा बताइए, तो ये हमें दूसरे साइड एरिया, मैंने कहा आप दिखाइए मुझे तो देखना था ये घर कैसा है कैसा नहीं है। आप जो देख रहे हैं ये जो बोर्ड लगा हुआ है महिंदर कोरियर करके, सिर्फ इतना ही घर है ये,
इतना ही घर है जिसमें हमें रहना है, सेकंड फ्लोर पे। अभी चाबी नहीं आई थी तो हम लोग वेट कर रहे थे। सीरियसली इतना, मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, इतने छोटे छोटे घर और रेंट इतना हाई फाई है ना यहाँ के एरिए का, सच्ची बता रही हूँ बहुत ज़्यादा है दिल्ली में तो, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मम्मी, अगर मम्मी चढ़ रही है ना तो मम्मी के चढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, कोई नहीं चढ़ सकता है। और अंदर से अच्छा था, मुझे ठीक लगा, लेकिन सीरियसली हमारा सामान किसी एंगल से यहाँ पे घुसने वाला नहीं था, क्योंकि गेट की जो चौड़ाई थी ना वो घुसता ही नहीं हमारा सामान, बक्सा वगैरह और मान लो फ्रिज वगैरह कूलर वगैरह हमारा जाते ही नहीं इसके अंदर। देन गाइस इसका तो फिर हम बताएंगे कि हमें कौन सा सही लगा कौन सा नहीं, क्योंकि सच्ची में हम बताएंगे उसी को देख करके। ये उसके साथ साथ फिर एक और घर देखा, मम्मी तो नहीं गई, मैं गई थी देखने के लिए। तो उसमें ये इस घर में आपको मतलब फर्निश्ड नहीं था, बट हाँ ये लोग ये बेड वगैरह दे रहे थे। दैन उसके बाद में ये अलमीरा जो रखी हुई है ये भी दे रहे थे, और गीज़र लगा हुआ था, और उसी के साथ में किचन का भी सेट दे रहे थे ये। तो हमने उनसे पूछा था किचन तो हमारे पास है, तो वो बोले थे ऊपर चला जाएगा, तो बस यही था। और बाकी हमने घर जितने भी देखे वो आपको दिखा दिए। दैन उसी के साथ में हम वापसी के लिए भी हम पहुँच चुके थे, क्योंकि मम्मी बोली मुझ पर नहीं चला जा रहा, मैं तो थक चुकी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई अब चल दीजिए। इसी के साथ हमारी माता श्री को भी भूख लगाती है और मुझे भी, तो हमने सोचा मेट्रो स्टेशन पर मैकडोनल्ड था तो हमने वहीं पर जाकर के मैकडोनल्ड लिया। सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है ये सब, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं खाना क्या चाहती हूँ, मुझे सीरियसली नहीं पता इन बड़ी बड़ी जगहों का, ये मैकडोनल्ड वगैरह का मुझे पता ही नहीं लगता। मम्मी के लिए ले दिया मैंने फिर भी बर्गर वगैरह ये और ये कोन वगैरह, मम्मी को आइसक्रीम खाना था तो आइसक्रीम ले दिया मैंने उनके लिए, वो कह रही थी मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मैंने ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो यार मोमोज़ वगैरह खाती हूँ, मेट्रो स्टेशन पर जाकर के मोमोज़ ना खाए तो फिर क्या किया। सवेर मुझे ये टेडीज़ बियर भी दिख गए थे तो मैंने सोचा चलो इसका भी शूट कर लूँ। दैन उसके बाद बोटैनिकल हम पहुँच चुके थे, बोटैनिकल से जो फिर हमने सोचा कि चलो कहीं और भी चला जाए, फिर मम्मी ने मना कर दिया चलो घर। अभी अभी घर पर आ चुकी हूँ, और भाई मकान देखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, सच्ची बता रही हूँ। लिटरली हम जब दो जगह गए थे, दो जगह में हमने देखा और ब्रोकर से बात करी थी, अदरवाइज आप ऐसे जाओगे ना जैसे आगरा में होता है ना, जैसे टूलेट लिखा होता है घर के बाहर में, तो चले जाओ और पूछ लो और बात हो गई आपकी ओनर से और आप में और उनमें हो गई बात, बात डिसाइड हो गया रेंट वगैरह सब कुछ, देन उसके बाद में आप अपना सामान लेके चले जाओ रहने लग जाओ। और यहाँ पर तो भाई अलग ही बात है, जाओ तुम वैसे जाओगे तो टूलेट तो किसी के घर के आगे मिलेगा ही नहीं, जबकि लोगों की एक दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल चौथा मंजिल मंजिल की मंजिल खाली लगी हुई रखी हुई है, लेकिन टूलेट नहीं लिखते वो लोग, और ब्रोकर के थ्रू ही वहां पे जाते हैं भाई। और दूसरी बात, अगर जाते तो हैं तो ब्रोकर भी महान 15 दिन एक महीना, ओ भाई इतना कम कमाते नहीं है जितना हम इन्हें दे रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है यार हमारी क्या ही बताऊँ, एक दो घर दिखाने में भी वो अपने एफर्ट डालते हैं, धूप में अगर वो लोग भी घूमते हैं तो, लेकिन यार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है एक महीने का। पहले हम अपना बजट ही इतना लेकर के चलते हैं, अगर 10,000 का लेकर जा रहे हैं तो 10,000 तो हम रेंट भी दें, 10,000 हम एक महीने का एडवांस भी दें, 2 महीने का एडवांस, 1 महीने का एडवांस, फिर सिक्योरिटी, फिर 10,000 हम उसे ब्रोकरेज को भी दें, ब्रोकर को भी दें, ऐसा कोई इतना पैसा तो मुझे तो नहीं पता। लिटरली बता रही हूँ, अगर चेंज करो हर दिल्ली जो गुड़गांव जैसे एरिया में और ग्रेटर नोएडा जैसे, तो दबा के पैसे लेते हैं, बहुत खर्चा होने वाला होता है जब आपकी शिफ्टिंग करनी होती है, आपको जब सामान ले जा रहे हो कन्वेंस का हर चीज़ का खर्चा है, बंदे चाहिए, अगर सामान उठाने के लिए बंदे भी चाहिए ना तो उसके लिए भी आपको 400 से नीचे तो झाड़ी में कोई मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है गाइस कि मैंने जो है ऑनलाइन चेक नहीं किया, ब्रोकरेज ऐप या housing.com, नो ब्रोकर, 99acres, ये सब मैंने सब पे ट्राई किया, सारे एरियाज वगैरह का मैंने चेक किया था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि मुझे ऑनलाइन में दिखा ही नहीं वो, मुझे लगा फिर मैंने तक सोचा कि चलो चल के देख लेती हूँ, शायद हमारे जैसे ही वो आगरा जैसा कि टूलेट लिखा हो और चलो ओनर से ही बात हो जाएगी, लेकिन नहीं। वहाँ से मैं दुकान वालों से भी पूछ रही थी, मैंने कहा भैया घर खाली है क्या, भैया घर खाली है, तो वो बोले नहीं नहीं घर तो खाली नहीं है, हमें तो नहीं पता कहाँ है, आप जाओ आप प्रॉपर्टी डीलर से बात करो, आप जाओ प्रॉपर्टी डीलर से बात करो, ऐसे करते हैं। सीरियसली बता रही हूँ, मतलब ऐसे ना जैसे बोलते हैं बेगानी शादी में आप तू दीवाना, सीरियसली ऐसे लगता है। मैंने बहुत सर्च किया था लेकिन 15,000 से कोई भी ऑनलाइन में तो 15,000-12,000 से नीचे मेरा, लेकिन इतना बजट नहीं है, बजट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी तब।